इस अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऐसे बस अस्पताल में भर्ती एक युवती के लिए ऑनलाइन कंपनी से मंगाई गई महिला हेल्पर और महिला हेल्पर के साथ कॉटेज में भर्ती मरीज के अटेंडेंट ने छेड़छाड़ और अश्लीलता की है। तो महिला हेल्पर ने SMS थाना पुलिस को शिकायत दे दी है इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ कर रही है। DCP ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने जानकारी दी है। हमारे सहयोगी लोकेश शोला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या है पूरा मामला? देखिए रंजन, पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि जो मरीज था वो खुद उस मरीज ने ही युवती के साथ छेड़छाड़ की है। मरीज ने अपनी बहन के भर्ती होने का नाम लेकर ऑनलाइन केयरटेकर के तो को बुलाया था और ऑनलाइन कंपनी से बात करके केयरटेकर के तौर पर उसको बुलाया गया था। उसके बाद कल शाम की शाम बुलाने की घटना और आज दोपहर में युवती ने SMS थाने में FIR दर्ज की गई कि उसके खिलाफ मुझे केयरटेकर के तौर पर बुलाया गया। उसके बाद में देर रात उसके साथ अश्लीलता और छेड़छाड़ की गई है। ये वो कॉटेज है, वो कॉटेज में दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि सुपर डिलेक्स कॉटेज जो नया SMS अस्पताल के अंदर तैयार किया गया था उसी कॉटेज के अंदर मरीज भर्ती था। उस मरीज ने अपनी बहन का इलाज होने और उसका केयर टेकर के तौर पर उसको बुलाया और उस मरीज ने खुद ने ही बीते 7 दिन से SMS अस्पताल के कॉटेज में यहाँ भर्ती था और 7 दिन से यहाँ रहते और उसने केयर टेकर को बुलाया था। केयर टेकर को पूरे मामले में अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तारी की गई है, पुलिस किन किन से पूछताछ कर रही है इस मामले में, मुख्य आरोपी कौन कौन है, जरा एक बार फिर से बताएं। बिल्कुल नहीं, बात करें तो जो आरोपी मुख्य आरोपी भर्ती मरीज सुनील कुमार यादव जो अलवर के रहने वाला है और बीते 7 दिन से SMS अस्पताल में यहाँ भर्ती था। कल शाम को ऑनलाइन बुकिंग कंपनी से केयरटेकर कंपनी से केयरटेकर को बुलाया और मुख्य रूप से उसने बुलाया था बहन के इलाज और उसके केयरटेकर के तौर पर, लेकिन यहाँ महिला ने अपनी शिकायत। चलिए, शुक्रिया आपका लोकेश।